नहीं, अब हमें ना 2014 से जो आजादी मिली है वो है बिल्कुल तमीज से आजाद हो जाना, शराफत से आजाद हो जाना, किसी भी किस्म के कानून से आजाद हो जाना, और किसी भी किस्म की अकाउंटेबिलिटी जिसे कहते हैं उससे आजाद हो जाना। अरे रुक जा बावली, आजादी का मतलब तो अभी तुझे मैं बताऊंगा, लेकिन पहले दोस्तों आपको ये बता दूं कि आप लोगों से हमने पोल में पूछा था कि इस चूतिए के ऊपर वीडियो बननी चाहिए, इस बकचोद के ऊपर वीडियो बननी चाहिए, या इस बावली लिब्रांडी के ऊपर वीडियो बननी चाहिए, लेकिन आप लोगों ने इस लिब्रांडी के ऊपर वीडियो बनाने के लिए बोला, तो पेश है आज का वीडियो इस लिब्रांडी के ऊपर। दोस्तों सबसे पहले बता दूं कि ये लिब्रांडी कन्हैया कुमार, रवीश कुमार, पप्पू, दिग्विजय सिंह ऐसे लोगों का समर्थन करती है, ये उनकी बहुत बड़ी फैन है, तो इसकी मानसिकता क्या होगी आप लोग भली भांति जानते होंगे। टुकड़े टुकड़े गैंग जो है वो नफरत के टुकड़े टुकड़े और कुतर्क के टुकड़े टुकड़े करने वाला गैंग। टुकड़े टुकड़े गैंग वाले कहते हैं हम आजादी छीन के लेंगे, आजादी बंदूक के दम पे लेंगे, और कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं होना चाहिए, ये भी उन्हीं सबके सपोर्ट में रहती है। JNU भारत का सर्वश्रेष्ठ महाविद्यालय और भक्तों के लिए सबसे बड़ा स्थल। कांग्रेस के 70 साल में, अव्वल तो 70 साल पहले व्हाट्सएप नहीं था ना, तो बेचारी कांग्रेस को तो मिल ही नहीं पाया वो अवसर कि व्हाट्सएप द्वारा इस तरीके से फेक न्यूज का प्रचार हो, आईटी सेल नहीं थे उस कांग्रेस के जमाने में। अब ये बावली थोड़ा सस्ता नशा वाली बात बोली है कि 70 साल में कांग्रेस के पास व्हाट्सएप नहीं था, इसीलिए कांग्रेस गलत तरीके से मैसेज डिलीवर नहीं कर पाई, वो अफवाह, गलत न्यूज ऐसा कुछ नहीं फैला पाई। लेकिन इस बावली को ये सब नहीं पता कि 70 सालों में इंटरनेट ना होने के बावजूद भी कांग्रेस ने कुछ ऐसे ऐसे कांड किए हैं जो आज के व्हाट्सएप के फेक न्यूज से बड़ी है। जैसे कांग्रेस आम लोगों को बोलने नहीं देती थी, उनका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दबाती थी, पत्रकारों को नहीं बोलने देती थी, जर्नलिस्ट को लिखने तक नहीं देती थी, किताबों तक को बैन किया, लोगों को जेलों में डाला गया, देश में इमरजेंसी लगाई थी, वो भी कांग्रेस की ही सरकार थी, तब कांग्रेस की ही सरकार ने लगाई थी। लेकिन ऐसे लिब्रांडू लिब्रांडी को क्या पता, अपने विपक्षी नेताओं को इन्होंने जेलों में फेंकवा तक दिया था, और जो न्यूज चैनल हैं उनको बंद कराने की बहुत कोशिश कांग्रेस पार्टी ने की थी, और नसबंदी ये तो आप लोगों को याद ही होगा कि लोगों को पकड़ पकड़ के नसबंदी करवाया जा रहा था, ये सब पप्पू पार्टी के खानदानी काम है, पप्पू के खानदान के लोग ये सब किए हैं, क्योंकि तब सोशल मीडिया नहीं था, व्हाट्सएप नहीं था, इसलिए इन जैसे लिब्रांडी को पता ही नहीं, या पता तो सब कुछ। अगर आप मुझे इस देश का होम मिनिस्टर बनाते तो मैं एक ऐसा कानून निकालती कि जितने भी गौरक्षक नाम के आतंकवादी हैं। वाह क्या बात है, होम मिनिस्टर, इस पावली को लगता है कि भारत में जितने गौर रक्षक हैं वो सब टेररिस्ट हैं, लेकिन जेएनयू में देशद्रोही नारा लगाने वाले कुत्ते जो हैं वो इसको रियल हीरो लगते हैं, क्योंकि ये बावली गाय का दूध नहीं गधे का यमी पीती है। जेएनयू भारत का सर्वश्रेष्ठ महाविद्यालय और भक्तों के लिए सबसे बड़ा स्थल। दोस्तों ये लोग बीजेपी की बुराई करते करते देश और धर्म की बुराई तक करने लगते हैं। तो दोस्तों ऐसे लिब्रांडी लोगों के बारे में, यानी लिब्रांडू यानी उदारवादी, ऐसे चूतियों के बारे में 2-4 शब्द कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और क्या आप चाहते हैं कि इसका डिटेल का वीडियो पूरा बनाऊं, इस लिब्रांडी के ऊपर वीडियो बनाऊं, इसमें कांग्रेस पार्टी अदर कुछ ना रहे, इसका पर्सनल वीडियो मैं बनाऊं, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो उस चूतिए के ऊपर जिसको मैं पोल में पूछा था, नेक्स्ट वीडियो उस चूतिए के ऊपर आ रही है, तो आप लोग देखिएगा जरूर। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, अगर शेयर करने का इच्छा है तो शेयर कर दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।